देखो बच्चे, मुझे लगता है कि अब वो बच्चे नहीं रहे। पहले ट्रूम ट्रूम पर। I am you. वाल्टर के गैस हमले के बाद लड़कियां जागती हैं और महसूस करती हैं कि वो फंस गई हैं। उनके हाथ टेप से बंधे हैं और सेल के कोनों में एक भूखी ज़ॉम्बी है। लगता है कि रस्सी बचाएगी। ओ, मैं अपने हाथों को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रही। टेप से छुटकारा पाना पहले करने वाला काम है। लड़कियां एक बेल्ट इस्तेमाल करने का फैसला लेती हैं। बहुत मुश्किल के बाद लिली बेल्ट बाहर निकालने में सफल होती है। मुझे मदद करने दो। लड़कियां अपनी टाइट्स खोलने के लिए मेटल बकल इस्तेमाल करती हैं। ओह, आखिरकार मेरे हाथ पूरी तरह अकड़े हुए हैं। अब हमें तय करना है कि ज़ॉम्बी का क्या करें। आखिरकार हमारे पास वाल्टर के खिलाफ कोई और वेपन नहीं। बहुत ज्यादा सोचे बिना दोस्त ज़ॉम्बी को खोल देती है और उसे अंधेरे कॉरिडोर में से ले जाती है। वो पागल साइंटिस्ट कहाँ छिपा है? एक्सपेरिमेंट के अपने कमरे में बेशक। लड़कियों ने पागल साइंटिस्ट को हैरानी में डाल दिया और उसे लैब से बाहर धकेला। रुको, हम उसका आखिरी कोने तक पीछा करेंगे। इस कमरे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। आप यही के लिए हो। आप ज़ॉम्बी को वॉच डॉग की तरह छोड़ देते हैं। चिंता मत करो वाल्टर, ये प्यारा जीव आपको सेफ रखेगा और ये आप जैसे पागल से आम लोगों को बचा के रखेगा। इसके अलावा लड़कियों के पास अभी वाल्टर के लिए समय नहीं। वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि ज़ॉम्बी बस्टर कैसा महसूस कर रहा है। क्या वो जिंदा भी है या डॉक्टर ने पहले ही उसे ज़ॉम्बी में बदल दिया? इसकी पल्स अभी है और इसके हाथ गर्म है। ये एक चमत्कार है, ये जिंदा बच गया। पर लड़कियों के सवालों के जवाब देने के लिए ज़ॉम्बी बस्टर अभी बहुत कमजोर है। ये जरूर बेहोश होगा। ज्यादा ध्यान दिए बिना हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सेफ हाउस लगभग हमारी आखिरी की जगह बन गया है। बुरी तरह से लड़कियां अपने दोस्त को बाहर ले जाती हैं। इस इलाके के आसपास ज़ॉम्बीज की काफी भीड़ है, जिसका मतलब है कि ज्यादा देर पैदल चलकर हम बच नहीं पाएंगे। ठीक है, हमें वाल्टर की कार लेनी होगी। जेन और ज़ॉम्बी बस्टर पिछली सीट में चले गए। लिली ड्राइव, गैस को दबाओ और इस डरावनी जगह से निकलो। हम कहाँ जा रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वाल्टर और उसके ज़ॉम्बी लैब से दूर भागो। ज़ॉम्बी बस्टर कैसा है? अब तक वो जाग गया होगा। जेन अपनी फ्रेंड को हिलाती है। वो अभी भी बहुत कमजोर लग रहा है। इसके सिर पर चोट लगी है, इसे उल्टी आ रही है। गाड़ी रोको, इसे थोड़ी हवा चाहिए। ताजी हवा इसमें ताजगी भर देगी। लड़कियों के पास बहुत सारे सवाल है। तुम कैसे बचे? हमें लगा कि आप तो गए। ज़ॉम्बी की पूरी भीड़ ने आर पर हमला किया था, ठीक वहाँ हमारे शेल्टर के बेसमेंट में। हमने अपनी आंखों से इसे देखा। आपको एक ज़ॉम्बी में बदल जाना चाहिए था, मगर अभी भी वही ज़ॉम्बी बस्टर हो जिसे हम जानते थे। ज़ॉम्बी बस्टर के पास सिर्फ एक ही आइडिया था कि शायद उसमें ज़ॉम्बी वायरस इम्यून किया गया था। उसके पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मेन बात ये है कि हमारी बहादुरी तिगड़ी वापस एक साथ है। वैसे क्या हमारे पास पानी है? मुझे लगता है कार में कुछ सामान है। लड़कियां वापस कार की तरफ जाती हैं और ट्रंक में देखती हैं और यहाँ तो पूरा भंडार है। देखो कितनी जरूरी चीजें यहाँ पर हैं। एक रक्षा करने वाला हेलमेट, वाह! एक कंस्ट्रक्शन हेलमेट में से हेडबैंड निकाली, सेल्फ टेपिंग स्क्रूज ली, छेद करें। हेलमेट के अंदर से स्क्रूज डाली। आपका नया नोकदार हेलमेट तैयार है। अब हमें एक फ्लैशलाइट और एक तार चाहिए। तार का एक टुकड़ा साइड होल्स में बांधें और फ्लैशलाइट हेलमेट पर लगाएं। ये अब तक का सबसे बढ़िया ज़ॉम्बी फाइटिंग हेलमेट है। पर पानी की एक बोतल इस ट्रंक में सबसे जरूरी चीज है। पहले उन्होंने जी भर के पिया, फिर तय किया कि कहाँ जाना है। चुनने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक रॉड है। ठीक है, चलो चलते हैं। उफ, सड़क पर एक रुकावट, इस कार ने हमारा रास्ता रोक दिया। हम आगे नहीं जा सकते, हम क्या करें? अच्छा, हमें अपनी कार को धक्का लगाना होगा।
अरे नहीं, ये जॉम्बी के चाल है। माफ करना जॉम्बी, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं। हम पूरी तरह आर्म्ड हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लें और स्पाइक की हेलमेट से अपने सिर को बचाएं। स्पाइक के शोल्डर पैड्स और एक बाजू के शील्ड। मुझ पर हमले की अब कोशिश करो। स्टायरोफोम के कुछ शीट्स लें। एक बॉक्स कटर से एक शील्ड की शेप काटें। चौड़ा इलास्टिक बैंड लें। कट्स बनाएं। इलास्टिक बैंड डालें। सेल्फ टेपिंग स्क्रूज लें। जी अक्षर बनाने के लिए स्क्रूज को शील्ड में डालें। दोनों साइड्स में एक इलास्टिक बैंड लगाएं। अपने नी कैप्स पर भी सेल्फ टेपिंग स्क्रूज और वेलक्रो के साथ इलास्टिक बैंड लगाएं। आगे आपको एक बड़ा बोर्ड, एक बेल्ट और थोड़ी कीले चाहिए। लेदर के दो टुकड़े बोर्ड पर ठोकें। उनकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बाकी कीलों को हथौड़े से बोर्ड पर लगाएं। शील्ड को स्प्रे पेंट से कोट करें। हो गया। मुझे लगता है ये ज़ॉम्बीज पूरी तरह से जंगली हैं। आओ इस ज़ॉम्बी लैंड को सही करते हैं। आओ दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं इन्हें दिखाएं। पकड़ो उन्हें लड़कियों। इनसे डील करने का आपके पास काफी तजुर्बा है। चेले गुरु बन गए। क्या हिट है। ज़ॉम्बी बस से लड़ाई देखने में इतना व्यस्त हो गया, उसे पता ही नहीं चला कि ज़ॉम्बी में से एक उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो ज़ॉम्बी बस्टर के और पास आ गया और हमला करने ही वाला है। तो आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। ज़ॉम्बी लड़ाई की तरफ देखता है और फिर ज़ॉम्बी बस्टर की तरफ। यहाँ पकड़ने के लिए कुछ नहीं। अच्छा मैं आगे चलूं। ज़ॉम्बी बस्टर ने कभी उसे नोटिस नहीं किया। बेशक जरा लिली को देखो। अपने नए वेपन से उसने ज़ॉम्बीज को कीड़ों की तरह भगा दिया। एक रस्सी और भारी बॉल ने अपने हाथ की हथेली के आसपास रस्सी को लपेटी। रस्सी को बीच में बांधी। बॉल अंदर रखें। रस्सी कसी। और एक कैरबाइनर लगाएं। एक आखिरी हिट और ज़ॉम्बी हार गया। बहुत बढ़िया काम। अब हमें सड़क से रुकावट हटानी होगी। सड़क क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो ग्लोव बॉक्स में एक मैप है। मैप देखते हुए अपने आप को बचाने के रास्ते में हम ज़ॉम्बीज के परे बंच में घुस जाएंगे। हमें अपनी पुरानी कार को मजबूत करना होगा। चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे अपग्रेड करते हैं। लड़कियां सामान की तलाश में निकल पड़ी। अरे नहीं, हम ज़ॉम्बीज से घिर गए। जवाब दो अगर तुम दे सकती हो। एक प्रिकली फ्रिस्बी कैसी रहेगी। एक प्लास्टिक फ्रिस्बी और एक सीढ़ी ली। सीढ़ी को नकीले टुकड़ों में काटे। फ्रिस्बी के साइड के चारों तरफ चीरा लगाए। सीढ़ी के टुकड़े डाले। अब ज़ॉम्बीज पक्का मुश्किल में है। और आपके पास क्या है। एक ग्रेट, कुछ लकड़ियाँ और एक जाली। शुरू करने के लिए बुरा नहीं। एक एल्यूमिनियम बम्पर लगाएं। विंडशील्ड को मेटल मैश से बचाएं। ग्रेट को पिछले विंडो पर लगाएं। तेज ट्रायंगल होट पर चिपकाएं। ये एक शक्तिशाली डायनासोर जैसा दिखता है। आगे स्पाइक्स लगाएं। व्हील कवर पर चेन्स लगाएं। हमारा अपग्रेड आपको कैसा लगा। कार बहुत डरावनी लग रही है। मैं हैरान हूँ कि क्या ये जितनी दिखती है उतनी शक्तिशाली होगी। निडर तिगड़ी सड़क पर जाती है। सड़क लंबी और मुश्किल होगी, इसलिए अच्छा रहेगा दोस्त शांत रहें। और अब हम अपनी आंटी ज़ॉम्बी कार की सुरक्षा को चेक कर सकती हैं। आओ लिली, भीड़ के ठीक बीच में निशान लगाओ। आओ ज़ॉम्बी के इस गैंग पर हमला करें। ध्यान से, हमारी सुपर कार ने हमें निराश नहीं किया। शांत और सेफ जिंदगी की तलाश में दोस्त आगे बढ़े। फिर भी कोई हमें बताता है कि अभी भी बहुत सारे एडवेंचर उनका इंतजार कर रहे हैं।
क्या आपको हमारा नया ज़ॉम्बी का एपिसोड पसंद आया? तो इस वीडियो को लाइक करें और हम कमेंट्स में जानते हैं कि आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बारे में और एपिसोड देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल को दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।